हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में मैं आज लेकर आई हूँ यूपी टीजीटी म्यूज़िक वोकल का 2009 का प्रीवियस ईयर पेपर। आई थिंक इट विल हेल्पफुल फॉर यू। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन इज़, भातखंडी स्वरलिपि में सम का चिन्ह क्या है? हम सभी जानते हैं कि सम का चिन्ह है क्रॉस। सेकेंड नंबर पे आते हैं, तो राग बागेश्वरी में पंचम किस नाम से पहचाना जाता है? राग बागेश्वरी में पंचम जो है वो विवादी के नाम से पहचाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये वर्जित है पंचम स्वर। बट जो ये पंचम स्वर है ना, ये आरोह में वर्जित है, और अवरोह में जो पंचम का प्रयोग है वो वक्रता से किया जाता है। ठीक है, तो जब इसमें ऐसा किया जाता है तो इसको ऐसा करने से काफ़ी राग से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरव संपूर्ण जाति का कौन सा राग है? तो इसमें राग आसावरी जो है वो औरव संपूर्ण जाति का राग है। राग आसावरी का वादी स्वर है धा, संवादी है गा, और इसका सम प्रकृति राग हम जानते हैं जौनपुर है, और गाधानी स्वर जो है वो इसमें कोमल लगते हैं। राग भैरव का गायन समय क्या है? तो राग भैरव का गायन समय है सुबह, थाट है भैरव, रेधा कोमल लगता है, जाति है संपूर्ण संपूर्ण, और ये एक उत्तरांगवादी राग है। आगे बढ़ते हैं, निम्न स्वर समुदाय किस राग में है? ये क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे स्वर समुदाय दिए ही नहीं गए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, पहले किसका जन्म हुआ? छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ठुमरी या ठप्पा? तो छोटा ख्याल है, और बड़े ख्याल के को कौन लाया एग्जिस्टेंस में? तो सदारंग अदारंग का नाम फेमस है। देखिए, पुराने जमाने से ही चला आ रहा है कि क्रिटिसिज्म तो हर चीज़ का होता है, विद्वानों में मतभेद रहते ही रहते हैं, तो आज के टाइम पर अगर ऐसा ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है। ताल दीप जंदी प्राय किसके साथ बजाई जाती है? ठुमरी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आई जस्ट ओनली वॉन्ट टू से दैट इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक इन वन और टू क्वेश्चन, फ्लो में कभी कभी हो जाती है ये चीज़, सो आई थिंक यू शुड बी कॉपरेट फॉर इट। टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजती है? तो पंजाबी ताल है। भातखंडी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है? देश। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किनके शिष्य थे? विष्णु दिगंबर जी के। बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे? विष्णु दिगंबर जी के। राग विज्ञान के लेखक का नाम क्या है? पंडित विनायक राव पटवर्धन। कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी होती है? सात। ये जो स्वर समूह दे रखा है सारे गारे गारे सा, ये किस राग का अंश है? तो तोड़ी। सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं? ध्रुपद। भावरंग लहरी किसके साथ जुड़ा हुआ है? पंडित बलवंत राय भट्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणव भारती के लेखक का नाम क्या है? तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। कुल कितनी श्रुतियाँ हैं? 22। सा और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर है? 3। प्रारंभ में कितने ग्राम थे? 3। कुल मूर्छनाएं कितनी होती हैं? 21 मूर्छनाएं हैं। मूर्छनाओं से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि कितने ग्राम है, ग्राम से कैसे मूर्छना बनती है। यू शुड हैव अ डिटेल थ्योरी इन मूर्छना। कुल विकृत स्वर कितने होते हैं? 5। सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है बिलावल। बिलावल सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग है। राग यमन का संवादी स्वर क्या है? नी जो है वो संवादी है, और वादी है इसका गा। इसको कल्याण थाट से भी नाम से जानते हैं, और राति का प्रथम प्रहर इसका गायन समय है। गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है? गत। पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? बांसुरी। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते थे? संतूर। किस ताल को सम पर खाली होता है? किस ताल की सम पर खाली होता है? रूपक। परम किस वाद्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा पखावज। नेक्स्ट आते हैं, कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था? किशन महाराज। नाना साहब पानसे किस वाद्य से संबंधित हैं? मृदंगम। पागलदास क्या बजाते थे? पखावज। वाद्य में तरब लगाने का क्या उद्देश्य है? स्वर की आंस बढ़ाना। चक्करदार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं? 3। थाती नाड़ा किस वाद्य का बोल है? नकार। वीजी जो क्या बजाते थे? वायलिन। सुर श्रृंगार संसद कहाँ स्थित है? अब देखिए, यहाँ पर जो है ये टू ऑप्शंस हैं, इनमें से कंफ्यूजन है, तो यू हैव टू चेक। सुर श्रृंगार संसद वैसे तो मुंबई होना चाहिए, बट यहाँ दिल्ली भी ऑप्शन में है, तो यू शुड करेक्ट इट व्हाटएवर इज इट।
राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? ग्वालियर में। संगीत में किनका समावेश किया जाता है? गीत, वाद्य, नृत्य का। जब किसी राग के आरोह में 5 तथा अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो इसकी जाति बनती है औरव संपूर्ण। ध्वनि किस क्रिया से उत्पादित होती है? अवशोषण से या प्रतिध्वनि से, कंपन से या आयाप या परावर्तन से। ख्याल किस भाषा का शब्द है? तो ख्याल एक फारसी शब्द है। नाद की कितनी विशेषताएं हैं? संगीत का संबंध किससे है? आहत नाद से। कोमल रेगा धा तथा मा तीव्र युक्त थाट कौन सा है? तोड़ी। सभी शुद्ध स्वरों की युक्त थाट है बिलावल। सितार में पहला तार किस स्वर में मिलाया जाता है? मंद्र सा। निम्नलिखित में एक औड़व जाति का राग कौन सा है? बिभास। राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? तो मा और नी जो है वो वर्जित है। राग भूपाली को मोहन राग के नाम से भी जानते हैं। इसका थाट है कल्याण और गायन समय है रात्रि का प्रथम पहर और औड़व औड़व इसकी जाती है। निम्नलिखित में से एक मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है? हरिश्रा। कौन वाद्य त्रितरणी वीणा से विकसित हुआ? सितार। तानसेन के गुरु का नाम? स्वामी हरिदास। किस राग में दोनों निस्वरों का प्रयोग होता है? बिहाग। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित है? तो ग्वालियर घराने से संबंधित है। अलंगन एवं अभ्यास निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? बहुत। ठुमरी में कौन रस प्रधान रहता है? श्रृंगार रस। वृंदावन में किस नाम से संगीत समारोह आयोजित होता है? स्वामी हरिदास के नाम से ये जो है आयोजित होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, हरिवल्लभ संगीत समारोह किस शहर में होता है? जालंधर। अड़ाना किस रागांग का राग है? कानड़ा। नीसा मागा मापा किस राग में पाया जाता है? मुल्तानी। चार ताल किस गायकी की ताल है? ध्रुपद। टप्पा किस घराने की विशेषता है? दिल्ली। हाँ, कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है? बनारस की ठुमरी प्रसिद्ध है। उसके बाद सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? सविता देवी ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। बाला साहिब पूंछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? ध्रुपद के लिए। सारना चतुष्टयी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ? नाट्यशास्त्र से। 15 मात्रा की ताल का नाम बताइए? पंचम सवारी। त्यागराज भारत के किस भाग से थे? दक्षिण। 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि झप ताल में सम से सम तक लिखा जाए तो कौन सी लयकारी होगी? 3/2। गारे मापा धानी सा किस राग को दर्शाता है? बिलावल। धानी रेसा किस राग का अंश है? दरबारी। राग अड़ाना किस सप्तक में ज्यादा गाया जाता है? तार सप्तक। राग दरबारी कब गाया जाता है? रात्रि में। गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है? दरबारी। राग का वादी स्वर सबसे अधिक लगने वाले स्वर को हम वादी स्वर कहते हैं। राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? संयोग। रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? सर्व समूह के आधार पर। दिलरुबा वाद्य किस वर्ग का वाद्य है? तंत्र वाद्य। अल्लाह रखा खां किनके पिता थे? अलाउद्दीन खां। जाकिर हुसैन के पिता का नाम क्या था बताइएगा जरा, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। संगीत किसे कहते हैं? तीनों के मिश्रण को। सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर होते हैं, ठीक है। भातखंडे स्वरलिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? कोई रेखा नहीं होती उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भातखंडे स्वरलिपि के विकृत स्वर की क्या पहचान है? ऊपर रेखा होती है। अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? स्वरों से होता है। गामा पाधा नीधा मापा धा मागा किस राग की पकड़ है? खम्माच। जमजमा प्राय किस वाद्य पर बजता है? सितार। अमजद अली किस वाद्य को बजाते हैं? सरोद। पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? तो अलंकारों का निर्माण स्वरों से होता है। गामा पाधा नीधा मापा धा मागा ये किस राग की पकड़ है? तो खमाज राग की पकड़ है। जमजमा प्राय किस वाद्य पर बजता है? सितार पर बजता है। अमजद अली किस वाद्य को बजाते हैं? सरोद। पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? उस्ताद अलाउद्दीन खां। सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? मंद्र मध्यम। बिना सारिका की वीणा का नाम क्या है? इनमें से कोई नहीं है। पंडित राम नारायण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? सारंगी के लिए। आड़ी लय किस भिन्न से प्रदर्शित होती है? 3/2।
तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कायदा। तबले में संगत सम्राट की पदवी किनको प्राप्त थी? अहमद जान थिरकवा। रेला किस वाद्य से संबंधित है? तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाई की तिहाई को क्या कहते हैं? चक्करदार तिहाई। जोड़ा लाप कहाँ बजाया जाता है? इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे? सितार। शरण रानी क्या बजाती थी? सरोद। और केंद्रीय संगीत नाटक एकेडमी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके बाद दुर्गा दत्ता मालकोश राग की जाति औड़व औड़व। मारी पासवर संगति किस वर्ग के रागों में प्रयुक्त होती है? मल्हार। सितार में जोड़ अलाप किनके बाद बजाया जाता है? रजा खानी गज। शोभा गुल्टू किस शैली की प्रसिद्ध गायिका है? ठुमरी। निम्नलिखित में से कौन एक राग दिन के मध्य में गाया जाता है? वृंदावनी सारंग। निम्नलिखित में से किस जोड़ी के रागों में समान स्वर प्रयुक्त होते हैं? जोग। तबला वादक जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला है? नन अदर देन जाकिर हुसैन। सुप्रसिद्ध गायक जिन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है? पंडित भीमसेन जोशी। निम्नलिखित में 15 मात्रा की ताल कौन सी है? गज झंपा। कायदा रेला किस पर बजाया जाता है? तबले पर। ताल के प्राण कितने हैं? 10 प्राण हैं। कौन कौन से हैं याद कर लीजिएगा। खंड जाति में लघु की मात्रा 5। शहनाई बांसुरी वाद्यों के किस वर्ग में आते हैं? ये शशीर वाद्य में आता है, यानी वेंड इंस्ट्रूमेंट है। श्रुतियों की कुल संख्या कितनी है? 22 है। एंड 117 वाला क्वेश्चन है, मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर है? 16वीं। किस वाद्य में सारिका यानी पर्दों का प्रयोग होता है? सितार। वाद्यों के कितने वर्ग हैं? 4। जाति भेद से तालों की संख्या क्या होगी? 35। जो स्वर राग में नहीं प्रयुक्त होते हैं उन्हें व्यवादी स्वर बोलते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में थाटों की कुल संख्या है 10। किस वेद को संगीत का आधार माना गया है? सामवेद को। भरत ने ग्राम की संख्या मानी है कितनी? 3। राग गायन का विकास किससे हुआ? जाति से। सो दीज आर द 125 क्वेश्चंस ऑफ यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर पेपर दैट वाज हेल्ड इन 2009। आई होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।